नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे थियोरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल में। सम्राट सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे बहुत ही आसानी से फिल्म और वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप वीडियो बना सकते हैं। ये फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा, इसके बाद में आपको सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर बिगिनर स्किल में है, अभी नया नया सीख रहा है फिल्म और वीडियो एडिटिंग, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ फ्रेंड, इससे आसान कोई सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकते। और मेरा हिसाब से इससे कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए वो भी नहीं हो सकते। बहुत ही आसान है, यूज करना जितना आसान है इसका फ्यूचर उससे भी बढ़िया है। तो फ्रेंड आपको बताऊंगा फुल ट्यूटोरियल, पूरा वीडियो कैसे आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे, ए टू जेड बताऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। आप अगर पहले पहले सीख रहे हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज दे देते तो बाद में जाके आपको आसान होगा इसके यूज करने लिए। जैसे फिर देख सकते फ्रेंड, ये वीडियो का स्क्रीन, इधर में आपका फोटो वीडियो ए टू जेड आपको शो करेगा। नीचे में आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीन चार पांच कॉलम दिया गया, आठ दस भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम इधर में यूज कर सकते हैं। और इधर में फ्रेंड आप मेनू बार देख सकते हैं, फाइल एडिटिंग, फिर टूल्स, व्यूज, एक्सपोर्ट, हेल्प, एंड यहाँ पे शॉर्टकट बार भी आप देख सकते हैं, मीडिया, ऑडियो, टाइटल, फिर इफेक्ट, एनिमेंट, फिर जितना भी ट्रांजेक्शन ए टू जेड आपको इधर से मिल जाएगा। तो बात आते फ्रेंड, पहले तो आपको बताते, फिर इधर में नीचे में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो इधर से आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बात आपको पहले से बता देते फ्रेंड, ये जो फिल्म वाला वर्जन है ये फ्री नहीं है, ये पेड वर्जन है, लेकिन आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताऊँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उधर में जाकर आप सीख लेना कैसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते। पहले तो आप इंस्टॉल कर लेना, बाद में आप इसको इस्तेमाल करना। लेकिन मैं जो बात आपको बताया, इससे कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर मेरा देखा, मैं तो ऐसे कम से कम 8-10 यूज कर चुका हूँ, लेकिन इससे कोई अच्छा सॉफ्टवेयर मेरे को मिला ही नहीं है। तो ये आसानी से यूज कर पाओगे तो आप तो देख लिया मेनू बार शॉर्टकट। तो पहले आपको कोई भी एक वीडियो इधर से लेते, कोई भी वीडियो लेके फिर आपको कैसे यूज करना है वो आपको बताऊंगा। जैसे फ्रेंड मैं ये वाला वीडियो इधर से ले लेते, ये वीडियो फ्रेंड आ गया इधर में आपका सामने, कुछ इस तरह डैश बॉक्स शो होगा तो आप आसान से ले पाओगे। और फिर इधर में आपका अगर लेने का जगह नहीं मिल रहा है तो आप दो तरह कर सकते हैं, एक तो फाइल में चला जाना, फिर इधर में जाके आपको इधर में प्रोजेक्ट ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट इधर में देख सकते फ्रेंड, इधर से प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। और इधर में आप अगर उधर नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली इंपोर्ट में क्लिक कर लेना, इंपोर्ट में क्लिक करके इधर में देख सकते हैं। अगर फाइल लेना चाहते, फोल्डर, मीडिया लेना चाहते, कुछ भी लेना चाहते तो इधर में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली जो फाइल आप ले आए वो फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करने का पहले अगर आप लोगे तो नीचे डैशबोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि डैशबोर्ड में आने का बाद ही आप एडिट कर पाओगे। सिंपली अगर स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो इधर में क्लिक कर लेना, सिंपली स्क्रीन में आ जाएगा वीडियो। और अगर डैशबोर्ड में लेके फिर एडिट करना चाहते हैं तो इधर में से भी आप कर सकते हैं। पहले तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना, फिर हाथ से दबा लेना, दबा के नीचे लेके आना तो आ गया। यहाँ पे डोंट चेंज कर देते, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड ये जो वीडियो है स्रैप आपको 1 मिनट 30 सेकंड का है। तो इसको अगर एडिट करने का सुविधा थे आप बड़ा छोटा कर सकते, जैसे इसके ऊपर कल्सर रख दे, फिर बड़ा कर लिया, फिर छोटा कर लिया, बहुत ही आसानी से कर पाओगे। फिर इधर से भी कर सकते प्लस माइनस करके, आप देख सकते यहाँ पे आपको सारी सुविधा दिया गया है। फिर मान लो इसको काटना है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट टूल मिल जाएगा। यहाँ पे जो शॉर्टकट टूल है उसके बारे में भी आपको और आके पूरा डिटेल्स दे दूंगा। जैसे एक काट करना है, इधर से थोड़ा बहुत वीडियो काट के फेंक देना है, तो ये जो लाइनर देख रहा है ये लाइनर जहाँ पे रखोगे वहाँ पे रख के फिर इधर में काट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे काट का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, डैशबोर्ड से भी कर सकते कॉन्ट्रोल प्लस बी दे के फिर आपको काट होगा। फिर इधर में आपको ऑटोमेटिकली कल्सर रखने के साथ साथ आप कीबोर्ड में कैसे दबाना है वो भी आपको मिल जाएगा, तो कीबोर्ड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली आप माउस से भी कर सकते हैं। नया नया है तो बाद में डैशबोर्ड आपको कीबोर्ड में भी कर पाओगे। तो सिंपली काट कर लेते, मान लो इधर से इधर तक इतना वीडियो मेरे को काट के फेंक देना है, तो यहाँ पे काट कर लेते, फिर इधर से इतना
तो फिर काट के इधर से फेंक दिया, फेंक कैसे दूंगा, इधर मैं क्लिक कर लूँगा कल्चर, फिर डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो हो गया कट, तो इधर से फिर इधर जॉइन कर दिया। तो आसानी से कोई भी वीडियो का मान लो मैं बोलने का टाइम पे, फिर वीडियो किसी भी टाइम पे आप काट करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, इधर में जाके आप प्ले करके देख सकते हैं जैसे पहले जैसे एक्सपी मजा है। तो ये तो हो गया फ्रेंड कैसे काट करे, डिलीट कैसे हो गया तो वो भी तो आपको बताया, सिंपली काट कर देना जितना आप रखना चाहते रख लेना, फिर डिलीट में क्लिक कर लेना ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और अभी बात आते फ्रेंड इधर में दोस्तों जो शॉर्टकट लाइन दिया गया ये कौन सा क्या काम करते हैं, जैसे मैं इसको जरा जूम आउट करना चाहता हूँ, ये जो जितना काटा है इतना सिर्फ इतना ही जूम आउट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसके ऊपर कल्सर रख के फिर इसको क्लिक कर देना तो आपको ऑप्शन आएगा सामने, जैसे आप सिर्फ आपको फेस दिखाना चाहते हैं तो भी आप इधर से ले सकते हैं आसानी से, सिर्फ इतना ही देखेगा। और अगर पान एंड जूम करना चाहते हैं मतलब आपको यह होगा मतलब धीरे धीरे से करके पूरा वीडियो से लेके एक जगह पे चला जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। आपको एग्जांपल बता दूंगा, जैसे मैं पहले पूरा वीडियो में कर लेते फिर आपको दिखाते, और इधर में सिर्फ मुंह तक आएगा तो आपको वीडियो यूज करके दिखाते, ये गया इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा, विंडोज ये अपग्रेड चलते ही रहेगा। तो मैं फ्रेंड अभी बताते आप कैसे बहुत ही आसानी से आप इधर देख सकते हैं, इधर में आपको धीरे धीरे से पास में आ रहा है, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। वो तो गया फ्रेंड एक बात, और दूसरा जो स्पीड अप भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो इतना सा वीडियो जितना भी कट करोगे फिर फुल वीडियो में भी कर सकते, फिर इतना अगर फास्ट सोलो नॉर्मल कर सकते फेस करना चाहते तो भी आसानी से कर पाओगे। फिर इधर में आप अगर चाहते नहीं मेरे को दूसरा कुछ करना है तो इधर में आप कलर भी चेंज कर सकते, वीडियो का जो भी कलर देना चाहते इधर से आसानी से दे पाओगे, देख सकते कोई भी कलर आप चेंज कर सकते आपका वीडियो का, ये बहुत ही आसानी से कर सकते। तो फिलहाल वो तो मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब फिर ठीक करना पड़ेगा। फिर दूसरा आप फीचर्स के बारे में आपको बताते फ्रेंड, इधर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, ज़्यादातर ये जो फीचर्स है फ्रेंड ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करने के लिए होते, ग्रीन स्क्रीन तो समझते ही है, जैसे दूसरा कोई भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते, जैसे आपको पीछे ग्रीन वाला कोई पर्दा दे देते तो सिर्फ आपको फेस ही आता है दोस्तों, जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसे मैं आपको यूज करके ही बता रहा हूँ। तो फ्रेंड एक ग्रीन स्क्रीन फोटो में ले लेते हैं, आप नेट से डाउनलोड कर सकते, फिर आपको पीछे कोई पर्दा लगा के भी कर सकते, तो यूज़ कैसे करना फिर मैं बताते हैं। सिंपली आप कोई भी ग्रीन स्क्रीन इधर से सिलेक्ट कर लेना, फिर इसमें भी आप ग्रीन स्क्रीन बना सकते हैं कभी वीडियो से, तो इधर मैं ये वाला ग्रीन स्क्रीन में यूज़ करना चाहता हूँ तो सिंपली आ गया देख सकते हैं। तो फ्रेंड सिंपली इसके ऊपर वीडियो रख देना, रखने के बाद स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर भी क्लिक कर सकते हैं, फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर डन बटन क्लिक कर लेना, आपको इस इधर ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इधर अगर यूज़ करेगा तो शॉर्टकट ऑप्शन है, तो इसका यूज़ करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ले लिया, तो मेरे को देने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या करना है सिंपली ये मान लो ये टाइगर है, ये टाइगर को बड़ा छोटा भी किया जा सकते हैं, जैसे मैं इधर इसको छोटा करके एक साइड में लगा देते, बड़ा भी रख सकते हैं। ये जो टाइगर इधर में आ गया फ्रेंड, अभी आपको चला के दिखाऊंगा कैसे ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं। इधर में देखना ये जो टाइगर है इसका काम ये करते रहेगा, तो फ्रेंड इधर देखते रहना आप, टाइगर हिलते रहेगा उसका काम करते रहेगा देखते रहेगा, बस ऐसे ही कोई भी ग्रीन स्क्रीन आप बहुत ही आसानी से इधर में यूज कर पाओगे। या तो हो गया कैसे आप सीख गया कितना आसानी से, ऐसे सर टाइगर का फोटो नहीं किसी का भी फोटो आप इधर में लगा सकते हैं, इसे ग्रीन स्क्रीन यूज करके आपका पीछे कोई भी पर्दा लगा के, या तो ग्रीन स्क्रीन का यूज हो गया। और अभी बताते फ्रेंड ये जो म्यूजिक कैसे सेट करते हैं, फिर आपका
जैसे नेम डालने के लिए कोई भी टाइटल कैसे डालते हैं। मान लो मैं एक टाइटल डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो तरह का टाइटल होता है। एक तो फ्रेंड आपका वीडियो का ऊपर आएगा, और एक तो सिर्फ टाइटल आएगा। टाइटल आने का बाद में आपको वीडियो आएगा। दोनों तरह का मैं यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। ये जो फ्रेंड टाइटल है, ये अगर लगाऊंगा तो आपको वीडियो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ टाइटल ही दिखाई देगा। टाइटल खत्म होने का बाद ही जाके आपको वीडियो स्टार्ट होगा, आपको वीडियो देखना चालू हो जाएगा। मतलब वीडियो का अंदर आप टाइटल नहीं लगा सकते। और एक तरह का टाइटल होता है फ्रेंड, जो आप वीडियो का ऊपर भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो चलते रहेगा, उसके ऊपर नाम चलते रहेगा, जैसे अक्सर पिक्चर में देखा जाते हैं। ऐसे भी आप लगा सकते, जैसे लगा दिया, इसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो में लगाना चाहते, थोड़ा टाइम के लिए लगाना चाहते वो भी लगा सकते। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो टाइटल है फ्रेंड ऊपर में आ रहा है, तो ये आप सेंस कैसे करते। सेंस करना भी बहुत ही आसानी, जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड इधर में एडवांस में भी जा सकते, तो आपको ज़रा आसान होगा। मैं डायरेक्ट ओके मत कीजिए। तो इधर में आप नेम कुछ भी लिखना चाहते तो लिख सकते। आप देख सकते मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया, तो कलर सेंस करने, क्योंकि सफ़ेद का ऊपर अक्सर ब्लैक ही अच्छा लगता, तो मैं ये जो नेम का जो कलर है वो मैं ब्लैक कर दिया। यहाँ पे देख सकते फ्रेंड, इधर में ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, मैं बड़ा किया तो भी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड जो है वो बहुत ही छोटा करके रखा है, तो जब फ्रंट साइड बड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और इधर में फ्रेंड आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे दूसरा कोई मॉडल इधर में आप आसानी से मिल जाएगा, कोई भी मॉडल इधर से चूज कर सकते हैं। अब दूसरा कलर का बात अगर बात हो फ्रेंड, इधर में बहुत सारे कलर है, जैसे आप दे सकते हैं। जैसे इसका पर ब्लैक का पूरा, आप अगर रेड चूज करना चाहते हो तो इधर में रेड भी आपको आ जाएगा मिक्स होके। आप देख सकते हैं इधर में आपको रेड मिल गया। थोड़ा साइज भी बड़ा कर सकते, छोटा बड़ा कर सकते। अब दूसरा जैसे फ्रेंड पर्साए आते, ऐसे भी आप इधर में जाके आसानी से कोई भी पर्सा इधर में यूज़ कर सकते। आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे पीला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा साइज इतना भी बुरा नहीं है, फिर भी आपको बताने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते फ्रेंड पर्सा भी आ गया, तो यहाँ पे सेव कर लेना, ऑटोमेटिकली ये सेव हो चुका है। ओ और एक बात बताना भूल गया, इधर में आप मोशन भी यह कर सकते, जैसे किस तरह आपको जो नेम है आना आएगा वो भी आप कर सकते। इधर में देख सकते फ्रेंड बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मोशन है, इधर में आप यूज़ कर सकते कोई भी। तो इधर में आप सेव कर लेना, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना, ओके कर देना। करने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यूज़ बता रहा हूँ, तो इधर में आप रिव्यू जब आएगा तो आप इधर में आपको वो जो नेम है देखना कैसे आ रहा है। तो ऐसे आप नेम भी सेट कर सकते। ये तो आपका नेम का बात हो गया। तो इधर में ट्रांसलेशन आपको बताते हैं, कैसे ट्रांसलेशन भी यूज़ किया जाते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का है फ्रेंड, अब पहले यूज़ करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये यूज़ करने में ही इतना मज़ा आता है। जैसे मैं चला के बताते आपको, देख सकते आपका वीडियो का मोशन कैसा हो रहा है। मोशन बहुत ही आसानी से आप इधर से सेंस कर पाओगे। एक दो मोशन नहीं, कितना सारे आप देख सकते हैं। फिर कोई भी मोशन आप आसानी से इधर में लगा सकते। तो मैं और एक मोशन बता के आपको बता देते हैं। जैसे मोशन लगाने के पहले आपको इधर कट करना पड़ेगा, अगर कट नहीं करोगे तो आपको मोशन यूज़ नहीं कर पाओगे। सिंपली कट कर लेना, और ये जो है पहले डिलीट कर लेते हैं, और इधर में जाके मोशन लगाते। तो एक बात ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड, हर मोशन हर जगह पे काम नहीं करेगा, तो दूसरा कोई मोशन यहाँ पे लगा देते हैं, देखते ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक अगर काम नहीं करेगा तो ये काम कर रहा है, देख सकते। तो एक इसमें भी ग्रुप है, एक ग्रुप का दो मोशन एक जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इस साइड में आप देख रहे हैं मोशन का ग्रुप, तो एक ही जगह पे एक ग्रुप का दो मोशन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए काम नहीं करते। लेकिन अलग अलग जितना भी तरह तरह का जो मोशन है वो यूज़ कर सकते। फिर इफेक्ट का बात बताते फ्रेंड, ये इफेक्ट देख सकते आप कैसे है। तो ये इफेक्ट भी आप इधर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका कलर चेंज हो गया। फिर एक जैसा इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट है जो आप जो चाहे इधर में इधर से ले सकते। और भी एक खासियत बता देते फ्रेंड, ये जितना भी मौजूद है उससे भी कई गुना इधर से आप डाउनलोड कर सकते, वो तो है। फिर एलिमेंट का बात आ जाते फ्रेंड, एलिमेंट जैसे एमुलेशन बोलते सिंपली, तो इधर में भी आप कोई भी एनिमेशन आपका वीडियो में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते इधर से सूज करके।
देख सकते कितना आसानी से मैं इमुनेशन था वो यूज़ कर लिया। फ्रेंड अभी बताते हैं आपको ऑडियो वो कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है। इधर में फ्रेंड आपको बहुत सारे ऑडियो दिया गया है, इधर में जितना भी ऑडियो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहते जो इतना ऑडियो में मेरे को कम नहीं चलेगा, दूसरा ऑडियो चाहिए, तो सिंपली आप इधर से जाके फाइल चूज कर लेना, नीचे ऊपर में बैठा देना जो रोल, इधर में जो रोलर है ऊपर में नीचे में बैठा के आप साउंड कंट्रोल कर सकते। तो मान लो इधर में जितना भी ऑडियो है, मैं इधर से एक ऑडियो ले लेते, मैं मेरा इधर में फोल्डर बना के रखा हूँ फेवरेट, तो इधर में मैं एक ऑडियो ले लेते, कोई भी एक ऑडियो ले लेते, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं। तो मेरा वीडियो जितना है उतना ऑडियो रखना है, ज़्यादा रख के क्या करूँगा, तो इधर में मैं ऑडियो कट कर लेते। कट करने के बाद इतना ही रख दिया, अभी आपको सुनाते फ्रेंड। इधर में अगर स्टार्ट कर दूँ तो मैं इधर से साउंड बंद करके रखा था, फिर देखना जैसे अगर ऑडियो का साउंड अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपका आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगा। तो सिंपली इधर में क्लिक कर लेना फ्रेंड, क्लिक करने के बाद इधर में स्टार्ट कर लेना। ये जो ऑडियो का साउंड है, जैसे आपका आवाज कम होना चाहिए, जो म्यूजिक आ रहा है वो कम होना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए, वो आसानी से आप कर पाओगे, ले पाओगे। तो सिंपली मैं मेरा आवाज कम कर देते, सिर्फ म्यूजिक देख सकते, फिर म्यूजिक कम कर देते, सिर्फ मेरा आवाज दे देते इधर। तो ऐसे आप भी कर सकते बहुत आसानी से, जैसे आवाज ज्यादातर आवाज फुल रखना चाहिए और म्यूजिक थोड़ा बहुत देना चाहिए जो सुनने में भी अच्छा लगे। कैसे मैं रख दिया, अभी तो ये हो तो हो गया, आप कैसे आपका आवाज़ सेट कर सकते हैं। दूसरा एक बात बताते फ्रेंड, इधर में ज़्यादातर आप कभी कभी ऐसा होते हैं जो आपको पिक्चर खींचने का जरूरत पड़ जाता है, जैसे हो सकते हैं जो ये पिक्चर जो है फ्रेंड आपको लेना है, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये पिक्चर हो गया। आप देख सकते इधर में जाके ये पिक्चर आ गया, ऐसे आप पिक्सल भी खींच सकते हैं, फिर इधर में जाके फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इधर में आप चाहते हैं जो इधर में नया कुछ डाले, नया कुछ रिकॉर्ड करें, तो इधर में आपको रिकॉर्ड कर। तो फ्रेंड और एक बात तो आपको बताते हैं, जैसे ये तो आप सीख गए कैसे कौन सा इफेक्ट यूज़ करना है, ऑडियो कैसे यूज़ करना है, फिर टाइटल कैसे यूज़ करना है, फिर आपको इफेक्ट कैसे यूज़ करना है, फिर आपको ये फीचर्स के बारे में पूरा आके पूरा नॉलेज दे देते। जैसे ये फीचर्स पे देख के इतना घबराने का कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड, इधर में आपको जितना भी फीचर्स है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे इधर में आप अगर अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, फिर कोई भी प्रोजेक्ट आपको पहले से रखा हुआ है, ओपन प्रोजेक्ट में चला जाना, और अभी तक जो प्रोजेक्ट आप ख़त्म कर चुका है वो प्रोजेक्ट आपको ओपन रिसेंट में मिल जाएगा। फिर इधर में जाके आप कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे इम्पोर्ट करना है मीडिया, तो कोई भी मीडिया इधर में जाके आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इधर से मीडिया डाउनलोड भी कर सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, फिर गूगल से। इधर में जाके फ्रेंड आप पेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आप वेब कैमरा से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर आपको पीसी स्क्रीन में रिकॉर्ड करना है वो भी कर सकते हैं, फिर वॉइस रिकॉर्ड भी इधर से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं इधर में रिकॉर्ड करके नहीं बता सकते, क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर से ही अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो और दूसरा बात है फ्रेंड, इधर में आप प्रोजेक्ट सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर की तरह। इधर में अगर एडिट का बात बोलो फ्रेंड, इधर में आप अनडू कर सकते हैं, जो शॉर्टकट में दिया गया है इधर देख सकते हैं अनडू का ऑप्शन। फिर कॉपी कट भी कर सकते हैं, जो इधर में भी ऑटो दिया गया है। फिर डिलीट का ऑप्शन भी इधर है आप देख लिया। फिर टूल का ऑप्शन फ्रेंड अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर व्यूज का ऑप्शन बताए तो फ्रेंड इधर में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पहले करना, फिर फ्यूज करना, स्टेप करना, फुल यूज करना कैसे करते, फिर जूम आउट कैसे करते, प्रीव्यूज कैसे करते, नेक्स्ट कैसे करते, वो भी आपको बता चुका हूँ। तो इधर में एक्सपर्ट का अगर बात करो फ्रेंड, इधर में क्रिएट वीडियो होते हैं एक्सपर्ट, तो इधर में आपको एक्सपर्ट में मिल जाएगा, वो मैं आखिर में बताऊँगा। और दूसरा बात यही है फ्रेंड, इधर में आप बहुत ही आसानी से ये जो आपको रोलर है ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे वीडियो ऑडियो बहुत आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जितना भी पहले जितना भी खंडो आपको लेना चाहिए उतना काट लेना पहले, ऐसे मार्कर से काट के फिर ऊपर नीचे बहुत ही आसानी से सेट अप कर सकते हैं। और जैसे कोई भी इफेक्ट है, इधर से कोई भी इफेक्ट आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं अगर इफेक्ट का बात बोलूँ तो इधर में भी आप बहुत ही आसानी से ऐसे डन बटन में क्लिक कर लेना, फिर दबा के नीचे आ जाना, इतना आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, और इसका जो फीचर्स है फ्रेंड सब
कोई भी वीडियो कोई भी वीडियो एडिटर से बहुत ही आसान है। तो सिर्फ इसको अगर वीडियो बनाने लग जाएगा, सिर्फ वीडियो नहीं मूवी भी बना लोगे कब पता नहीं चलेगा। तो अभी बताते फ्रेंड आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है। सबसे बड़ा बताते फ्रेंड एक्सपोर्ट में आके आदमी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते, तो मैं एक्सपोर्ट के बारे में अच्छा करके बताना चाहता हूँ। जो मैं मेरे को भी बहुत दिन तक प्रॉब्लम हुआ था, लगभग कितना दिन बताओ, बहुत दिन तक मैं एक्सपोर्ट करता था तो मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रहे थे जिसको बारे में बताते। तो एक बात तो मैं ये जो मेरा वीडियो है थोड़ा छोटा कर लेते, क्योंकि छोटा करूँगा तो जल्दी जल्दी फॉर्मेट हो जाएगा एंड एक्सपोर्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आपको भी एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बताना है तो मैं इधर से आपको बता देते हैं। सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड इधर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे लोकल डिवाइस, यूट्यूब, वीमियो, फिर डीवीडी। तो इधर में आप कोई भी फॉर्मेट आसानी से कर सकते हैं। तो इधर में मान लो डायरेक्ट अगर यूट्यूब में डालना चाहते हैं तो इधर में यूट्यूब लॉगिन करना, आपको फॉर्मेट भी हो जाएगा, डायरेक्ट आपको यूट्यूब में भी चला जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं यूट्यूब में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बताना है कैसे फॉर्मेट होते हैं यूट्यूब में, आप फॉर्मेट कर सकते हैं ऐसा कैसा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप हमेशा MP4 में फॉर्मेट करें, क्योंकि अगर MP4 में फॉर्मेट नहीं करोगे तो मान लो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कोई भी राइटिंग कोई भी पेज आपको कैप्चर करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ऐसे गूगल का कोई पेज, फिर कोई भी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अगर MP4 में नहीं करोगे, अच्छा रेजोल्यूशन में नहीं करोगे तो वो बाद में पढ़ाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो अच्छा रेजोल्यूशन में ही करें। और यहाँ पे देख सकते हैं 1920 फिर इंटू 1080 है इसका रेजोल्यूशन, मतलब बहुत ही आसान है। इधर में मेरा नाम लिख देते हैं, जैसे मेरा नाम लिख दिया एंड यहाँ पे अगर सेटिंग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं एक बात तो यही बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इतना ऑप्शन देख के घबराना नहीं, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो मैं हमेशा बेस्ट में ही रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो रेजोल्यूशन है वीडियो का वो अच्छा आना चाहिए। तो ओके कर देते, ओके करने के बाद फ्रेंड इधर में एक्सपोर्ट कर देते। एक्सपोर्ट थोड़ी देर में हो जाएगा क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही छोटा रखा हो। तो फ्रेंड ये मेरा हिसाब से ये जो एडिटर है फ्रेंड वर्ल्ड बेस्ट वीडियो एडिटर है। ये मैं तो जैसे पहले ही बताया जो इसमें वीडियो अगर बनाने लग जाओगे तो आप मूवी बना दोगे तो आपको ही पता नहीं चलेगा। और जितना भी आप यूज़ करोगे इसको इतना भी आपको अच्छा लगेगा, इतना भी मज़ा आएगा। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखना, अगर आपको अभी तक नहीं है तो ये आप डाउनलोड कर लेना। आप ये पेड वर्जन है लेकिन फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेड वर्जन भी मैं भी फ्री में ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं पैसा देकर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये बात है फ्रेंड, ये वीडियो अगर कोई भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखा देना। एक वीडियो में पूरा के पूरा वीडियो बनाने का, वीडियो एडिटिंग का उसका दक्षता आ जाएगा। हो सके ऐसा भी आदमी है जिसको 10-15 साल से फ्रेंड कंप्यूटर चला रहा है लेकिन वीडियो एडिटिंग अच्छा करके नहीं आते, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कोई भी बहुत ही आसानी से वीडियो एडिटिंग कर पाएगा, वीडियो नहीं मूवी भी एडिट कर पाएगा। तो फ्रेंड आपको मैं चला के भी इधर से बता देते हैं, जो वीडियो बनाया देख सकते फ्रेंड ऐसे बन गया। तो ऐसे आप फॉर्मेट भी कर लेना, लेकिन ये कुछ प्रोसेसिंग है इसका, जैसे इसका एक वाटर मार्क आ जाता है अगर पेड नहीं करते तो। वाटर मार्क कैसे हटाना है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वाटर मार्क भी बहुत ही आसानी से हटा पाओगे। तो फ्रेंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ ऐसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।